ट पीरियड जब हम लेंथ ऑफ एडजस्टमेंट पीरियड की बात करते हैं तो ये बात होती है विद रेफरेंस टू मार्केट के अगर हमारा मार्केट डिसक्म में है तो उसको इक्लिब्रियम में मूव करने के लिए कितना टाइम पीरियड रिक्वायर होगा जब हमने शॉर्टेज एंड सरप्लस को डिस्कस किया तो हमने वहां पे कहा देयर इज एडजस्टमेंट इन द्वानिटी इज डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड और हमने वहां पे किया कि जो भी एडजस्टमेंट हो रही है इन क्वांटिटी डिमांड एंड क्वानिटी सप्लाईड दैट इज विद रेफरेंस टू करंट प्राइसेस के वहां पे आपके जो प्रीवियस प्राइसेस थी प्रीवियस ईयर प्राइसेस या एक्सपेक्टेड प्राइसेस का कोई रोल नहीं है इन दस्टमेंट ऑफ इन दस्टमेंट ऑफ क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई अंडर शॉर्टेज एंड सरप्लस लेकिन जब आप रियल लाइफ में देखते हो तो एडजस्टमेंट यूजली रिक्वायर सर्टन टाइम पीरियड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर

तो स्पेशली विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल सेक्टर एडजस्टमेंट्स टू मार्केट इक्विलिब्रियम टेक्स टाइम हाँ जी वो टेक्स टाइम क्यों होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल नेचर के वंस आपने एक क्रॉप जब प्लांट कर ली तो वहां पे आप बहुत कम कुछ चीजें एडजस्ट करके उसकी सप्लाई को चेंज कर सकोगे कि जो भी आपने एक दफा क्रॉप प्लांट की है आफ्टर प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप कि फार्मर बहुत कम फ्लेक्सिबल होगा अबाउट द चेंजेस इन सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल आउटपुट और जो प्लांटिंग टाइम पे फार्मर डिसाइड करता है कि हाउ मच आई शुड प्लांट अ पर्टिकुलर क्रॉप ये फार्मर बेसिकली डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइसेस या वो डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इन प्रीवियस टाइम पीरियड और जो भी क्योंकि अब एक चीज़ जो यहाँ पे है कि फार्मर इज नॉट श्योर अबाउट द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट लेकिन वो क्या करेगा कि वो पिर, 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 पिछले साल की प्राइस की बेस पर कुछ डिसीजन में अब लें एक अपना माइंडसेट बना लेगा कि अगर पिछले साल ये प्राइस थी तो एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल जब मैं हार्वेस्ट करूँगा इस क्रॉप को तो इसकी प्राइस कुछ यही होगी अब अगर मैं एज्यूम करूँ कि फार्मर प्लान देर प्रोडक्शन फॉर दिस ईयर के फार्मर ने डिसाइड किया कि मुझे इस साल सपोज मैं कहता हूं जी आलू काश्त कर रहे हैं आलू प्रोड्यूस कर रहे हैं पोटैटोज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किस तरह वो डिसाइड करेगा वो डिसाइड करेगा अबाउट अबाउट द प्लांटेशन ऑफ पोटैटो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल आउटपुट अब यहाँ पे जो प्राइसेस एंड क्वांटिटीज डिटरमिन हो रही हैं दोज प्राइस एंड क्वान्टिटीज आर डिटरमेंट सिक्वेंशियली हाँ जी सिक्वेंशियली क्यों है क्या हम कह रहे हैं कि जो भी सप्लाई ऑफ पोटैटोज है इन करंट ईयर इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ पोटैटोज इन प्रीवियस ईयर तो यहां पर लास्ट ईयर की जो प्राइस है इट डिटर डिटरमेंट दिस ईयर प्रोडक्शन और अगर हम एज्यूम करेंगे जी लास्ट ईयर में प्राइसेज बहुत अच्छी थी पोटैटोज की मार्केट में तो इस साल फार्मर क्या करेगा ही विल कल्टीवेट मोर जब वो ज्यादा काश्त करेगा आप कह लो उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल कमोडिटी को तो उस इस पर्टिकुलर ईयर में क्या हो जाएगा देयर इज मोर आउटपुट इन द मार्केट और जब मोर आउटपुट इन मार्केट होगा तो प्राइस क्या हो जाएगी करंट ईयर में इट विल डिक्रीज अगर हम यू बात करें कि जी लास्ट ईयर जो भी आपके पास एग्रीकल्चरल कमोडिटी थी जो फार्मर वो कल्टिवेट कर रहा है अगर उसकी प्राइस लास्ट ईयर कुछ कम थी तो इस साल वो फार्मर क्या करेगा वो उसको कुछ कम काश्त करेगा जब वो कम काश्त करेगा तो मार्केट में इस साल उस एग्रीकल्चरल आउटपुट उस एग्रीकल्चर कमोडिटी का आउटपुट भी क्या होगा कुछ कम होगा जब मार्केट में कम आउटपुट जाएगा एग्रीकल्चर कमोडिटी का तो तब क्या हो जाएगी देयर इज increase in prices of that particular agricultural output in in the market क्या जी यहां पर जो हमने adjustment की बात की कि जो भी adjustment होगी उस adjustment के लिए farmer is making a decision about the output on the basis of previous year's price और अगर वो previous year की price की base पर current year की decision making कर रहा है तो उसकी वजह से मार्केट में जो करंट ईयर का आउटपुट होगा वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दे डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस ईयर्स प्राइस और जब मार्केट में आउटपुट ज्यादा होगा या कम होगा तो वो अल्टीमेटली इफेक्ट करेगा आपके इक्विलिब्रियम प्राइस को इन मार्केट में और इस सारे काम को एडजस्ट होने के लिए क्या जी कोई ऐसी प्राइस डिटरमिन हो जाए इसके लिए कुछ टाइम पीरियड इन्वॉल्व होगा